साहब ने ये कहा था कि जैसे लोगों के हाथ में यह संविधान होगा, यानी कि इस संविधान को चलाने वाले लोग जिस नियत के होंगे, ये संविधान वैसा ही काम करेगा। अभी जो नियत का मामला है, नियत क्या है, इसको हमें जो है स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सटीक बात परम पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर ने उस वक्त कही थी। संविधान अपने आप में कुछ नहीं है, संविधान जो है इट इज अ बुक ऑफ रूल्स, इसके अंदर रूल लिख दिए हैं, लेकिन रूल को मानने वाले लोग चाहिए। अगर रूल्स को मानने वाले लोग नहीं होंगे तो संविधान जो है एक कागज की किताब मात्र बनकर रह जाएगा। अब मानना नहीं मानना जो है व्यक्ति के चित्त से निर्धारित होता है। जैसा व्यक्ति का चित्त होगा वैसा ही वो उसका आचरण करेगा। अगर चित्त में जो है प्रदूषण भरा पड़ा है, रूल्स को अवॉइड करने की जो है प्रवृत्ति भरी पड़ी है, तो वो कभी भी जो है उसका सम्मान नहीं कर सकता, वो लगातार उसका अपमान ही करेगा। इसलिए बाबा साहब बहुत सटीकता से कहते हैं, इसीलिए भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना जो है संसद के, नई संसद के प्रांगण में स्थापित करना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो ही एक ऐसे शास्त्र हैं जो मनुष्य को क्या सही है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, ये बताते हैं। 70-70 सालों की जो यात्रा इस देश ने तय की है, उसमें इस देश ने यह देखा है कि इस देश को दुनिया में अगर विश्व गुरु का दर्जा किसने दिलाया है तो वो तथागत बुद्ध है। तो सबसे पहले जो है इस नई संसद के प्रांगण में बहुत बड़ी स्टैचू भगवान बुद्ध की स्थापित की जानी चाहिए। आधा अधूरा पढ़ते हैं और आधा अधूरा समझते हैं। जो लोहिया जी का जो स्टेटमेंट है वो भी काम का है, और जब आपने गलती से जो है कुछ गलत लोगों को बिठा दी सत्ता में, जब वो आपको सत्ता में आने ही नहीं दे रहे हैं, तब आपको जो है सड़कों पर आंदोलन, लाठी, हथियार सबका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा साहेब जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं वो बड़े समझदारी वाला रास्ता है। अगर उसको आप अपना लेते हैं तो आपको वो लाठी डंडे का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बाबा साहेब आपको पेन का इस्तेमाल करना सिखाते हैं, आपको तलवार का इस्तेमाल करना नहीं सिखाते हैं। इसी दो बातों में से जो राजनीतिक लोग हैं केवल एक ही बात को पकड़ कर चलते हैं। वो कहते हैं कि कैप्चर द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ योर ऑल द प्रॉब्लम्स, बस इतनी सी बात कहते हैं। लेकिन बाबा साहेब ने उस पार्लियामेंट की पावर को कैप्चर करने के लिए क्या मार्ग दिखाया है, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो मार्ग बहुत जटिल है और जटिल मार्ग पर कोई चलना नहीं चाहता। हवा हवाई होकर सभी लोग जो है बस संसद पहुंचना चाहते हैं। तो मैं बार बार जो है लगातार ये जो आज तथाकथित भोजन समाज के नेता हैं, आज जो चेहरे के रूप में आपको दिखाई देते हैं कि ये भोजन चेहरा है, ये भोजन चेहरा है, मैं लगातार उनकी क्रिटिसाइज इसीलिए करता हूं क्योंकि उनका जो भी आंदोलन है वो अपने लिए है। और इस 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने खुद देख लिया है, मैंने जो कहा उन बातों की एक एक बात जो है सत्य की कसौटी पर इस चुनाव में आपने खड़े होते देखी है। भानु प्रताप जी सपा के पास टिकट लेने गए, टिकट डॉक्टर रितु पहले कांग्रेस के पास गई, आम आदमी पार्टी के पास भी गई, फिर जो है उनको सपा से टिकट लेकर चुनाव लड़ा। महमूद प्राचा जी जो है निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। इसके अलावा जितने भी जो आंदोलनकारी थे, हर कोई अपनी जमीन तलाश कर रहा था कि मैं किसी भी तरीके से इस बार जो है सांसद बन जाऊं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने किस तरह से इस समाज की जो टूटती हुई आशाएं थी उसको किस तरह से उन्होंने जो है अपने फेवर में कर लिया और किस तरह से उस समाज को सपा की तरफ मोड़ दिया, पता भी नहीं चला। उनको जो है आज डॉक्टर लक्ष्मण यादव बनाने वाला ये बहुजन समाज है। आप उनके हितों से गद्दारी मत कीजिए, लेकिन ना तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने वो बात समझी और ना ही बहुजन समाज ने समझी। जब समाज अपने सच्चे और अच्छे बुद्धिजीवी वर्ग को पहचानेगा नहीं तो उसके लिए जो गड्ढा खोदा गया है उसमें उसका गिरना जो है लाजमी है। आप सबसे बड़ा एक गरीब आदमी को भी प्रधानमंत्री बनने का अधिकार देते हैं, लेकिन उस अधिकार का आज तक पालन नहीं हो पाया है। अधिकार का पालन करने की जिम्मेदारी किसकी है? स्वयं वोटर्स की है। जो वोट दे रहा है भाई, तुम अपने लिए क्यों नहीं सोचते हो? वो किसको वोट दे रहा है? वो अरबपति खरबपति को वोट दे रहा है। वो किसको वोट दे रहा है? गुंडे मवाली को वोट दे रहा है। लेकिन वहीं पर उसके बीच में से अगर कोई गरीब आदमी खड़ा हो जाए तो उसको वोट नहीं देता है। तो ये जो संस्कृति का जो प्रॉब्लम है, आज भी देखिए कि बहुजन समाज में बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। वो आंदोलन अगर किसी प्रोफेसर, बहुचर्चित प्रोफेसर के द्वारा चलाया जाता है तो आंदोलन को सक्सेस माना जाता है, उसको बहुत हाईलाइट किया जाता है। अगर वही आंदोलन कोई आईएएस आईपीएस बड़ा अधिकार चला रहा है तो उसको सक्सेस माना जाता है। कोई मंत्री चला रहा है, कोई एमएलए चला रहा है, कोई सांसद, तो हाईलाइट कर दिया जाता है उसको। लेकिन वही आंदोलन, चाहे कितना भी गंभीर आंदोलन, जमीनी स्तर का आंदोलन कोई आम व्यक्ति चला रहा हो तो उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। वही समाज नीलम जी, वही शख्स जो है बहुत बड़ी बेईमानी जो है इस देश से करता है, पूरे जीवन भर अहिंसा अहिंसा और अहिंसा, अपना पूरा जीवन अहिंसा जी रहा है, लेकिन अंतिम समय में जब मरने का समय आया तो हे राम, मैं जानना चाहता हूं
कि राम ने जो है अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कौन सा काम जो है अहिंसा से किया जिसके कारण महात्मा गांधी हे राम कहकर मरते हैं। वास्तव में वो सच्चे देशभक्त होते तो निश्चित तौर पर वो हे बुद्ध हे महावीर कहकर ही मरते, क्योंकि अहिंसा के लिए अगर पूरी दुनिया में कोई जाना जाता है तो बुद्ध और महावीर से बढ़कर कौन जाना जाता है। महावीर जहां अहिंसा की पराकाष्ठा को छूते हैं, जहां अहिंसा का पालन करने के लिए अपना भी बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहीं पर भगवान बुद्ध अहिंसा के की प्रैक्टिकल अप्रोच को लाइफ में लेकर आते हैं कि हर एक व्यक्ति अहिंसात्मक जीवन जी सके, ऐसे सिद्धांतों का प्रादुर्भाव होना चाहिए। तो बुद्ध नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है। जिस दिन से मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखा कि पुरानी संसद में से परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की मूर्ति, महात्मा गांधी की मूर्ति और छत्रपति साहू जी महाराज जी की मूर्ति हटाई गई है, तब से बहुजन समाज के लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश है और बहुजन समाज के तमाम नेता इसको लेकर आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर किसी और विचारधारा के खिलाफ या अन्य किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ कह दिया जाए तो लोगों की भावना बहुत जल्दी से आहत हो जाती है। लेकिन जब विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति संसद से हटाई जाती है तो कहीं ना कहीं इस देश के लोगों को या जो सत्ताधारी लोग हैं उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि इस देश में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो परम पूज्य बाबा साहब का अनुयायी है, उनका मान सम्मान करता है और उनको आदर्श के तौर पर मानता है। तो साथियों, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे ही 2024 के चुनाव खत्म हुए, जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, वैसे ही पुरानी संसद से बाबा साहब की मूर्ति हटा दी गई। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जो लगातार पिछले कई सालों से इस देश में भारत को एक ऐसी संस्कृति को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही है, जो संस्कृति इस देश के सच्चे गौरव इतिहास को लौटाकर भारत को फिर से विश्व गुरु का दर्जा दिला सकती है। तो आइए उन्हीं से चर्चा करते हैं आज परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति को लेकर कि जो संसद से बाबा साहब की मूर्ति हटाई गई है वो कितनी उचित है या कितनी अनुचित है। तो सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। जय भीम नीलम जी। वकील साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप लगातार सांस्कृतिक परिवर्तन की बात करते हैं और सांस्कृतिक परिवर्तन के तहत आप लोगों में एक नई क्रांति का संचार भी कर रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरह से सत्ताधारी लोगों ने पुरानी संसद से बाबा साहब की मूर्ति हटाई, तो इसको सर किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये जो पुरानी संसद जो है, ऐसा नहीं है कि उसका जो ढांचा है उसको डेमोलिश कर दिया जाएगा या उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि ये एक सरकार का नकारात्मक कदम है, बहुत ही घृणित मानसिकता के साथ में उठाया गया कदम है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्तियाँ हैं वो इस देश में लगाई जाती हैं, हटाई नहीं जाती हैं। थोड़ा बहुत स्थान अगर इधर से उधर चेंज करना पड़ जाए तो अलग बात है, लेकिन कहीं पर भी जो स्थान इस देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मिल गया तो वो ऐसे ही नहीं मिला है। उसके पीछे उस महान शख्सियत का बहुत लंबा संघर्ष है, बहुत बड़ा त्याग और बलिदान है, उसके बाद उस महान शख्सियत को ये स्थान इस देश में मिला है। तो पुरानी संसद में जो कि अब उसको जो है एक म्यूजियम के तौर पर जो है सरकार काम में लेकर आने वाली है, तो वहाँ पर जो है परम पूज्य बाबा अम्बेडकर की जो मूर्ति है वो बहुत ही उपयुक्तता के साथ में वहाँ पर देखी जानी चाहिए थी। वहाँ पर जितने भी लोग उस म्यूजियम में आते तो उस उनको जो है पता लगता कि ये जो महान शख्सियत जिसकी मूर्ति लगी है, इसके काम क्या है, इस देश के लिए क्या किया है उसने। तो इसलिए नीलम जी, एक घृणित मानसिकता के साथ में सरकार ने यह कदम उठाया है और अब बहुजन समाज के लोगों को डबल मांग करनी चाहिए। डबल क्या, वैसे तो विशिष्ट रूप से ये मांग करनी चाहिए, उचित मांग है कि जो मूर्ति जहां पर लगी थी उसको वहां पर पुनर्स्थापित किया जाए, पहली मांग ये होनी चाहिए जी। या उसका जो मुख्य द्वार है पुरानी संसद का जो है उस पर उसको स्थापित किया जाए, तो ताकि जो लोग भी वहां से एंट्री करें पहली दृष्टि जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर उनकी पड़नी चाहिए, उनकी मूर्ति पड़नी चाहिए। दूसरी मांग मेरी नीलम जी ये है कि जो नई संसद है, नई संसद बहुत महत्वपूर्ण है। नई संसद की स्थापना तक इस देश ने लंबी यात्रा से जो है गुजर कर आया है। देश ने बहुत से चेहरों को देखा है, अपने इतिहास में झांककर भी देखा है, जो चीजें इतिहास में छुप गई थी वो भी निकल कर बाहर आई और एक अवलोकन करने का मौका मिला है। इन 70-75 सालों में इस देश को कौन महानतम शख्सियत है इस बात को जानने का भी मौका मिला है। अब ऐसा समय नहीं है कि जो 1950 के समय में समय था, 1947 के समय में समय था,
कि उस समय जो कांग्रेस ने कह दिया बस वही बात चलती थी, वही सब लोग जो है उसको फॉलो करने जाते थे। अंधभक्ति एक तरह से जो है कांग्रेस के प्रति जो है लोगों की थी कि क्योंकि वो आजादी के आंदोलन को लीड कर रही थी। लेकिन अब इन 70-75 सालों की जो यात्रा इस देश ने तय की है उसमें इस देश ने यह देखा है कि इस देश को दुनिया में अगर विश्व गुरु का दर्जा किसने दिलाया है तो वो तथागत बुद्ध हैं। तो सबसे पहले जो है इस नई संसद के प्रांगण में बहुत बड़ी स्टैचू भगवान बुद्ध की स्थापित की जानी चाहिए। अब कुछ लोग जो है उनको धर्म से जोड़कर देखेंगे कि भैया तो धार्मिक गुरु हैं, धर्म के शास्त्रा हैं, अगर इनकी लगाओगे तो फिर जो है और धर्मों की मूर्ति भी लगेंगी। लेकिन मैं बता दूं कि भगवान बुद्ध का इन संप्रदायों से जिनको ये लोग धर्म कहते हैं, अधर्म के नाम पर धर्म का नाम लेते हैं, भगवान बुद्ध का एकमात्र ऐसा रास्ता है जो किसी संप्रदाय के लिए नहीं है, किसी वर्ग के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं है। यदि विश्व का जो है कोई भी अपने आप को जो रिलीजन कहते हैं, धर्म कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं, अगर वो अपने नियमों को भगवान बुद्ध के समकक्ष बढ़ाकर दिखा दे या ये बता दे कि जो उनके नियम है वो प्राकृतिक हैं, प्रकृति से निकाले हुए नियम के समान हैं, तो मैं ये बात मानने के लिए तैयार हो सकता हूँ। लेकिन नीलम जी मैं बता दूं कि बाबा से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक स्टेटमेंट थी जो कि संसद में उन्होंने दी, जब उनसे ये पूछा गया कि ये संविधान जो है कैसा है, बाबा साहेब ने ये कहा था कि जैसे लोगों के हाथ में ये संविधान होगा, यानी कि इस संविधान को चलाने वाले लोग जिस नियत के होंगे ये संविधान वैसा ही काम करेगा। अभी जो नियत का मामला है, नियत क्या है, इसको हमें जो है स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सटीक बात परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस वक्त कही थी। संविधान अपने आप में कुछ नहीं है, संविधान जो है इट इज अ बुक ऑफ रूल्स, इसके अंदर रूल लिख दिए हैं, लेकिन रूल को मानने वाले लोग चाहिए। अगर रूल्स को मानने वाले लोग नहीं होंगे तो संविधान जो है एक कागज की किताब मात्र बनकर रह जाएगा। अब मानना नहीं मानना जो है व्यक्ति के चित्त से निर्धारित होता है, जैसा व्यक्ति का चित्त होगा वैसा ही वो उसका आचरण करेगा। अगर चित्त में जो है प्रदूषण भरा पड़ा है, रूल्स को अवॉइड करने की जो है प्रवृत्ति भरी पड़ी है, तो वो कभी भी जो है उसका सम्मान नहीं कर सकता, वो लगातार उसका अपमान ही करेगा। इसलिए बाबा साहब बहुत सटीकता से कहते हैं, इसीलिए भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना जो है संसद के, नई संसद के प्रांगण में स्थापित करना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो ही एक ऐसे शास्त्रा है जो मनुष्य को क्या सही है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, ये बताते हैं। सर आप बुद्ध की मूर्ति की बात कर रहे हैं कि नई संसद भवन में महाकौड़ी तथागत बुद्ध की प्रतिमा है, उसका उसकी स्थापना होनी चाहिए, और दूसरी तरफ बाबा साहब की बात कर रहे हैं, और अगर हम देखें वर्तमान में जिस तरह से पुरानी संसद से बाबा साहब की मूर्ति हटा दी गई है, गांधी जी की मूर्ति हटा दी गई है, छत्रपति साहू जी की मूर्ति हटा दी गई है, और यहाँ तक कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की मूर्ति है, मतलब चारों का अगर हम बात करें इस देश में काफी बड़ा एक तरह से सामाजिक क्रांति इन लोगों ने जगाई है इस देश में, लेकिन आखिर ऐसी क्या विडंबना है या क्या मजबूरी है या क्या डर है इन तीनों चारों नेताओं से कि आज की जो सत्ताधारी सरकार है वो इतनी घबरा गई कि पुरानी संसद में भी इन लोगों को मतलब देख नहीं पा रहे इनकी मूर्तियों को। देखिए एक संस्कृति है मानो, एक संस्कृति है जानो। तो जो परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संस्कृति पर इशारा किया, यानी कि समर संस्कृति, भगवान बुद्ध की संस्कृति, ज्योतिबा फूले की विचारधारा, छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा, ये वो विचारधारा है जो कि जानने के लिए कहती है, जांचने के लिए कहती है। मानो मत, मानने से पहले थोड़ा कष्ट उठाओ, थोड़ा देख लो कि क्या सही है क्या गलत है। और मैं चैलेंज करता हूं नीलम जी, बिल्कुल चैलेंज करता हूं, वहीं से महात्मा गांधी की मूर्ति भी हटाई गई है। मैं हालांकि महात्मा गांधी की मूर्ति के इतना पक्ष में नहीं हूं, हालांकि मैं उनका सम्मान इसलिए करता हूं क्योंकि इस समय में जहां पर कि चारों तरफ दुनिया में जो है हिंसा का तांडव मचा हुआ है, हिंसा के सिवाय मनुष्य अहिंसा की तरफ सोच भी नहीं पाता है, महात्मा गांधी जी ने प्रैक्टिकली कुछ हद तक जो है अहिंसा का पालन करके दिखाया, लोगों को दिखाया कि अहिंसा के साथ में भी जीवन जिया जा सकता है, और एक साधारण नहीं बल्कि एक उच्च जीवन जिया जा सकता है। ये इसलिए जो है वो इस समय के एक प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं अहिंसा के सिद्धांत के लिए। लेकिन नीलम जी वही शख्स जो है बहुत बड़ी बेईमानी जो है इस देश से करता है, पूरे जीवन भर अहिंसा अहिंसा और अहिंसा, अपना पूरा जीवन अहिंसा जी रहा है, लेकिन अंतिम समय में जब मरने का समय आया तो हे राम, मैं जानना चाहता हूं कि राम ने जो है अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कौन सा काम जो है अहिंसा से किया
जिसके कारण महात्मा गांधी हे राम कहकर मरते हैं। अगर वो इस देश के इतिहास से, अगर उनको इस देश के इतिहास की अच्छी और सच्ची जानकारी होती और वास्तव में वो सच्चे देशभक्त होते तो निश्चित तौर पर वो हे बुद्ध हे महावीर कहकर ही मरते, क्योंकि अहिंसा के लिए अगर पूरी दुनिया में कोई जाना जाता है तो बुद्ध और महावीर से बढ़कर कौन जाना जाता है। महावीर जहां अहिंसा की पराकाष्ठा को छूते हैं, जहां अहिंसा का पालन करने के लिए अपना भी बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहीं पर भगवान बुद्ध अहिंसा के की प्रैक्टिकल अप्रोच को लाइफ में लेकर आते हैं कि हर एक व्यक्ति अहिंसात्मक जीवन जी सके, ऐसे सिद्धांतों का प्रादुर्भाव होना चाहिए। तो बुद्ध और महावीर से अहिंसा के मामले में कौन महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति करता कुछ और है, कहता कुछ और है, तो यानी कि वो देश के साथ में इंसाफ नहीं कर रहा है, देश को गुमराह कर रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के आइकॉन है वो, और आज भी भारत देश का बहुत बड़ा तबका है, वो उनका सम्मान करता है और स्कूलों में भी उन्हें पढ़ाया जाता है, जबकि आज हम देख रहे हैं कि बाबा साहब तक को मतलब स्कूलों की किताबों से हटाने का काम किया है। लेकिन अभी वर्तमान में सर जो सवाल बहुत बड़ा खड़ा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कैसी है जो कि महात्मा गांधी जी को अपना आइकॉन मानती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कूलों में भी आज भी अहिंसा के रूप में महात्मा गांधी जी को स्कूलों में पढ़ाया जाता है, जबकि परम पूज्य बाबा साहब को आज हम देख रहे धीरे धीरे करके किताबों से भी गायब कर दिया गया है, और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की तो क्या बात करें, उनको तो मतलब चर्चा भी नहीं करते हैं। लेकिन सर सवाल ये खड़ा होता है, अभी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी मतलब प्रेस जारी एक रिलीज हो रही है अभी 20 तारीख को, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि आने वाली 26 तारीख को हम मतलब बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें कि डॉक्टर उदित राज हैं और आम आदमी पार्टी के पूर्व समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, उन्होंने भी आह्वान किया है कि 26 तारीख को मिलकर ये दोनों जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन करेंगे कि जो राष्ट्रपति भवन है पुराने वाला उसमें महात्मा गांधी जी की और बाबा साहब की मूर्ति दोबारा से स्थापित की जाए। तो सर क्या लगता है कि इस तरह के आंदोलन करने से, क्योंकि हमने देखा कि जब नया संसद भवन बन रहा था उस समय भी काफी बहुजन आंदोलनों ने डिमांड करी कि नए संसद भवन में बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए, तो क्या लगता है इन आंदोलनों से मूर्तियों की स्थापना हो जाएगी या फिर आंदोलन दो चार दिन होकर वहीं के वहीं दब जाएंगे। देखिए नीलम जी, मैं बार बार ये बात कहता रहा हूं, लेकिन समस्या ये है कि इस देश के लोगों के जो संस्कृति है, संस्कृति मतलब जो उसके सोचने का ढंग है जी, वो बड़ा अजीब है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जो है संविधान में एक गरीब आदमी को भी प्रधानमंत्री बनने का अधिकार देते हैं, लेकिन उस अधिकार का आज तक पालन नहीं हो पाया है। अधिकार का पालन करने की जिम्मेदारी किसकी है, स्वयं वोटर्स की है। जो वोट दे रहा है, भाई तुम अपने लिए क्यों नहीं सोचते हो, वो किसको वोट दे रहा है, वो अरबपति खरबपति को वोट दे रहा है, वो किसको वोट दे रहा है, गुंडे मवाली को वोट दे रहा है, लेकिन वहीं पर उसके बीच में से अगर कोई गरीब आदमी खड़ा हो जाए तो उसको वोट नहीं देता है। तो ये जो संस्कृति का जो प्रॉब्लम है, आज भी देखिए कि बहुजन समाज में बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, वो आंदोलन अगर किसी प्रोफेसर बहुचर्चित प्रोफेसर के द्वारा चलाया जाता है तो आंदोलन को सक्सेस माना जाता है, उसको बहुत हाईलाइट किया जाता है। अगर वही आंदोलन कोई आईएएस आईपीएस बड़ा अधिकार चला रहा है तो उसको सक्सेस माना जाता है, कोई मंत्री चला रहा है, कोई एमएलए चला रहा है, कोई सांसद, तो हाईलाइट कर दिया जाता है उसको। लेकिन वही आंदोलन चाहे कितना भी गंभीर आंदोलन, जमीनी स्तर का आंदोलन कोई आम व्यक्ति चला रहा हो तो उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। वही समाज जिसके हक और अधिकार की बात वहां शुरू होनी है, जो आम आदमी है जो आंदोलन चला रहा है वहां से शुरू होनी है उसकी जो बात जो है, लेकिन उसकी तरफ जो है आम आदमी तवज्जो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी संस्कृति जो है उसमें प्रॉब्लम है, उसमें डिफेक्ट आ गया है। तो इसीलिए जो है जो आज कांग्रेस के जो आज दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हुआ और दो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, बहुत से लोगों ने 22 प्रतिज्ञा के आधार पर ये देखा होगा, अभी हम नागपुर में गए थे तो लोग कह रहे थे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया आम आदमी पार्टी से, त्याग पत्र नहीं दिया है, बल्कि जो है अब गठबंधन हो गया है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन है, तो एक तरफ उदित राज जो है दलितों का चेहरा, एक तरफ जो है ये राजेंद्र पाल गौतम जी दलितों का चेहरा। अब दोनों की समाज में क्या भूमिका है, अब ये दोनों जो समाज में जो भी आंदोलन करेंगे उसमें जो समाज इकट्ठा होगा, उस समाज को, इकट्ठा हुए समाज को वो किस दिशा में लेकर जाएंगे। लेकिन बार बार समझाने के बाद भी बड़ी समस्या ये है नीलम जी, एक बात तो ये होगी कि किस दिशा में लेकर जाएंगे, दूसरी बात जो आप पूछ रही हैं कि क्या ये आंदोलन सफल हो पाएंगे, क्या आंदोलन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो मैं बार बार कह चुका हूं, लोहिया जी का जो स्टेटमेंट है उसको बार बार जो है सड़क का आंदोलन करने वाले लोग जो है दोहराते हैं, जब जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आभार आ जाती है, और बाबा साहेब जो है आपको वोट का अधिकार देकर ये कहते हैं कि जब जब संसद आवारा हो तो आप वोट की ताकत से जो उसके आवारापन को दूर कीजिए। दोनों बातों में बड़ा फर्क है, एक जो ऐसा अधिकार है आपके हाथ में, एक ऐसी ताकत है जिससे आपको कभी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपको सड़क पर उतर कर आंदोलन नहीं करना पड़ेगा,
दूसरी तरफ वो है कि आप जब पूरे 5 साल जो है आराम से सोते हैं, चादर तान कर मस्ती करते हैं, पूरी जिंदगी को एंजॉय करते हैं, और 5वें साल में आपको पता लगता है कि आपके जो है हक अधिकार छीने जाने वाले हैं और अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब आप अपने अधिकार का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद जो आपको मजबूरी में फिर संसद क्या नाम है सड़कों पर उतरना पड़ता है। तो ये जो सड़कों पर जो आंदोलन है ये मजबूरी का आंदोलन है, जब कुछ नहीं रहा था। तो अब जो है हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोगों ने जो है अपने ही वोट की ताकत से मनुवादी को सत्ता में बिठा दिया, और ये मनुवादी सरकारें इनकी सोच क्या है, इनके दिमाग में मनुस्मृति बैठी हुई है, मनुस्मृति के कानून बैठे हुए हैं, उनको लगातार किस तरह से इस देश पे लागू किया जाए वो लगातार षड्यंत्रस्त रहते हैं, उसकी प्लानिंग करते रहते हैं। तो अब जो है बहुजन समाज के पास सिवाय सड़कों पर आंदोलन करने के अलावा रह क्या गया है। लेकिन सर आपको नहीं लगता है, चाहे हम साहब मान्यवर काशीराम जी की बात करें, बाबा साहब की बात करें, तमाम बहुजन समाज से आने वाले वो बुद्धिजीवी नेता जो आज वर्तमान में हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने कभी भी मतलब इस तरह के आंदोलन करने के लिए लोगों को प्रेरित नहीं किया, बल्कि सही दिशा में वोट का इस्तेमाल करके संसद के पर कब्जा करने के लिए कहा, क्योंकि जब संसद में जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है सारे निर्णय उनके कंट्रोल में होंगे, सारी चीजों पर उनका एक तरह से वर्चस्व रहेगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, नई संसद बनी, बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगाई गई, बहुजन समाज के लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन किए, लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलन जीरो के जीरो मतलब एक तरह से विफल ही रहे। तो क्या लगता है कि लोगों को सत्ता की तरफ बढ़कर, सत्ता की तरफ जाकर संसद में कब्जा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 2024 का भी परिणाम रहा है बहुत ही दयनीय स्थिति है बहुजन समाज के लोग, तो सर इस दिशा में क्या कहना चाहेंगे? देखिए नीलम जी, दोनों बातें हैं, हम बातों को आधा अधूरा पढ़ते हैं और आधा अधूरा समझते हैं जी। जो लोहिया जी का जो स्टेटमेंट है वो भी काम का है, ऐसा नहीं है कि उस बिल्कुल बेकार हो। अब जब आप वोट का अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जब आप कैडराइज नहीं हैं, और जब आपने गलती से जो है कुछ गलत लोगों को बिठा दी सत्ता में, जब वो आपको सत्ता में आने ही नहीं दे रहे हैं, तब आपको जो है सड़कों पर आंदोलन, लाठी, हथियार सबका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा अपने अपने अधिकारों को वापस लेने के लिए। तो लेकिन बाबा साहेब जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं वो बड़े समझदारी वाला रास्ता है, अगर उसको आप अपना लेते हैं तो आपको वो लाठी डंडे का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बाबा साहेब आपको पेन का इस्तेमाल करना सिखाते हैं, आपको तलवार का इस्तेमाल करना नहीं सिखाते हैं। इसी प्रकार से जो बाबा साहेब ने दो स्टेटमेंट कही, दो बातें कही, लेकिन दो बातों में से जो राजनीतिक लोग हैं केवल एक ही बात को पकड़ कर चलते हैं। वो कहते हैं कि कैप्चर द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ योर ऑल द प्रॉब्लम्स, बस इतनी सी बात कहते हैं। लेकिन बाबा साहेब ने उस पार्लियामेंट की पावर को कैप्चर करने के लिए, पार्लियामेंट में जाने के लिए, संसद भवन में जाने के लिए आपको क्या मार्ग दिखाया है उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो मार्ग बहुत जटिल है और जटिल मार्ग पर कोई चलना नहीं चाहता, हवा हवाई होकर सभी लोग जो है बस संसद पहुंचना चाहते हैं। तो मैं बार बार जो है लगातार ये जो आज तथाकथित बहुजन समाज के नेता हैं, आज जो चेहरे के रूप में आपको दिखाई देते हैं कि ये बहुजन चेहरा है, ये बहुजन चेहरा है, मैं लगातार उनकी क्रिटिसाइज इसीलिए करता हूं क्योंकि उनका जो भी आंदोलन है वो अपने लिए है, और इस 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने खुद देख लिया है, मैंने जो कहा, लगातार वीडियोज बनाए, लगातार बातें करी, उन बातों की एक एक बात जो है सत्य की कसौटी पर इस चुनाव में आपने खड़े होते देखी है। भानु प्रताप जी सपा के पास टिकट लेने गए, टिकट मिल भी गया, बाद में कैंसिल कर दिया। डॉक्टर रितु पहले कांग्रेस के पास गई, आम आदमी पार्टी के पास भी गई, फिर जो है उनको सपा से टिकट लेकर चुनाव लड़ा, जो कि ये कहती थी कि मैं राजनीति करने के लिए आंदोलन नहीं कर रही हूं, ये मेरी नौकरी का मामला नहीं है, समाज का मामला है। अब कहां है वो आंदोलन, ये सोचने वाली बात है। अहमद प्राचा जी जो है निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, इसके अलावा जितने भी जो आंदोलनकारी थे हर कोई अपनी जमीन तलाश कर रहा था कि मैं किसी भी तरीके से इस बार जो है सांसद बन। और सबसे बड़ा उदाहरण जो है इस समाज के लिए बहुत बड़ा सबक देने वाला उदाहरण डॉक्टर लक्ष्मण यादव है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने किस तरह से इस समाज की जो टूटती हुई आशाएं थी उसको किस तरह से उन्होंने जो है अपने फेवर में कर लिया और किस तरह से उस समाज को सपा की तरफ मोड़ दिया पता भी नहीं चला। लगातार मैं डॉक्टर लक्ष्मण के विचारों का विश्लेषण कर रहा था और वो विश्लेषण किस लिए कर रहा था, ताकि इस बहुजन समाज को मार्गदर्शन मिले और डॉक्टर लक्ष्मण यादव को भी एक मार्गदर्शन प्राप्त हो कि उनको जो है आज डॉक्टर लक्ष्मण यादव बनाने वाला ये बहुजन समाज है, आप उनके हितों से मत खेलिए, आप उनके हितों से गद्दारी मत कीजिए। लेकिन ना तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने वो बात समझी और ना ही बहुजन समाज ने समझी। जब समाज अपने सच्चे और अच्छे बुद्धिजीवी वर्ग को पहचानेगा नहीं तो उसके लिए जो गड्ढा खोदा गया है उसमें उसका गिरना जो है लाजमी है। आप सबसे बड़ा उदाहरण देख सकती हैं, मैं कभी भी जो है जो बातें कहता हूं किसी की, मैं किसी का विश्लेषण कर रहा हूं, उस विश्लेषण में किसी आलोचना हो रही है तो मैं कभी ऐसा नहीं है कि जब सामने पड़ जाएंगे तो मैं घबरा जाऊंगा, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो घबरा जाऊंगा, अगर सच बोल रहा हूं, सच्चा विश्लेषण है
तो मैं कभी भी ये लोग जब मेरे सामने आते हैं तो मैं वैसे ही सामान्य तौर पर मिलता हूँ जैसे हमेशा मिलता हूँ। तो इसीलिए अभी आपने एक और उदाहरण देखा, महेंद्रपाल गौतम जी का उदाहरण देखा आपने जो है कि किस तरीके से जो है उनके ऊपर तो बड़ा सदमा है। आज बहुजन समाज जांच नहीं कर पा रहा है, चेक नहीं कर पा रहा है। अभी अभी जो है आम आदमी पार्टी के एक मंत्री ने, समाज कल्याण मंत्री, जिनको कि राजेंद्रपाल गौतम जी के बाद उनको मंत्री बनाया गया, उनका पद दिया गया, उन्होंने अभी भी इस्तीफा दिया है, राजकुमार आनंद जी। तो राजकुमार आनंद जी ने इस्तीफा दिया तो खाली इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने विश्लेषण किया है कि जो केजरीवाल जी हैं ये एक जातिवादी व्यक्ति हैं, इनके भीतर जो है जातिवाद कुकुट के भरा पड़ा है। यही केजरीवाल जी गुजरात चुनाव में क्या बोल रहे हैं कि करेंसी पर जो है लक्ष्मी और गणेश का, नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर आनी चाहिए। ये वही केजरीवाल थे, ये वही केजरीवाल हैं जो आरक्षण को बोलते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो इसलिए नीलम जी, सिर्फ आंदोलन करते रहने से इस समाज का भला होने वाला नहीं है। इस समाज के लिए सच्चे अर्थों में और गहराई से जाकर काम करने की जरूरत है। और आज हमें अपनी को प्लानिंग की जरूरत नहीं है, प्लानिंग जो है पहले से ही बाबा साहब के द्वारा किया चुकी है। माननीय साहेब कांशीराम जी ने वो मार्ग भी दिखा दिया है, बस उस प्लानिंग को समझने की जरूरत है और उस मार्ग को जानने की जरूरत है। इस बहुजन समाज का सारा जो काम है, सारा जो उद्धार है, स्वतः हो जाएगा। बस जरूरत है कि पूरे 5 साल जो है ये बुद्धिजीवी वर्ग एक संघ बनाकर इकट्ठा होकर जो है समाज के बीच में जाकर उसको वोट को जो है कैसे और कहां पर इस्तेमाल करना है ये समझाए, ये सिखाए।